दोस्तों आज हम घूमने जा रहे हैं आमेर फोर्ट, और आज आपको हम आमेर फोर्ट के बारे में बताएंगे, है ना। उसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे, जितनी नॉलेज होगी हम उसकी सारी नॉलेज देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये है आमेर फोर्ट, यहाँ से यूँ जाएगा, यूँ देखिए आमेर फोर्ट। आज मैं आपको आमेर फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ थोड़ा। ये आमेर फोर्ट वही आमेर फोर्ट है जहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम पे ट्रक भर के यहाँ से सोना गया था, और इंदिरा गांधी ने सारी इंडियन फोर्स ही यहाँ पे लगा दी थी, यहाँ पे इतना सोना निकला था। इस आमेर फोर्ट के ऊपर आप जाओगे तो ऊपर जयगढ़ है, जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है। देखते हैं आज वो आपको दिखा पाएंगे या नहीं, लेकिन अभी शुरू करते हैं यहाँ से। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए एक बार व्यू। चारों तरफ पहाड़ी है। ये वही फोर्ट है जिसके चारों तरफ जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ियों पे दीवारें बना रखी है कि ताकि इस फोर्ट पे कोई हमला ना कर सके। आज बारिश हो गई है तो लोग लेट पढ़ाना शुरू किया है। आज फैमिली के साथ आया था मैं, वो देखिए मेरी वाइफ खड़ी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, हम इस रास्ते से ऊपर जाएंगे। ये जो दीवारें जा रही है यहाँ से इनको ऊपर जाना, और ऊपर चढ़ने के बाद आमेर फोर्ट का नज़ारा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइड का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। ये चारों तरफ ये जो आपको दीवारें दिख रही है ये आमेर की सिक्योरिटी के लिए थी। ये देखिए यहाँ से व्यू कितना शानदार दिख रहा है। जो आप दीवारें देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर, ये सब आमेर की सिक्योरिटी के लिए थी। यहाँ पे सैनिक तैनात होते थे। जितना मुझे अपनी नॉलेज से पता है मैं उतनी आपको जानकारी दूंगा यहाँ पे। चलिए देखिए व्यू आमेर महल पर पहुंचने वाले हैं हम। आमेर फोर्ट का मेन गेट जहाँ पे बहुत शूटिंग वगैरह हुई है। मुझे इस मूवी की शूटिंग याद है सलमान खान की, जो घोड़ा लेके इस गेट से एंटर हुआ था। अंदर जाने के बाद आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। वो आमेर फोर्ट, वहाँ से टिकट लेनी पड़ती है। एक मंदिर भी है, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आज को आपको आमेर फोर्ट, और कुछ बताते हैं रोचक बातें आमेर फोर्ट की। बने रहिए। ये है शिला माता मंदिर का जाने का रास्ता, और ये है फोर्ट में जाने का रास्ता। चलिए चलते हैं, तो हम जा रहे हैं, देखते हैं टिकट हमसे मांगते हैं नहीं।
कोई जान पहचान का मिल जाएगा तो नहीं मांगेंगे वैसे। बाकी यहाँ की टिकट इंडियन के लिए 100 रुपये है और वैसे 200 रुपये। स्टाफ है, स्टाफ ये जयसिंह जी है ना, इनकी जानकार है। ये जो जैकेट पे बैठते हैं, जैकेट पे बैठते हैं स्टाफ है अंकल, जयसिंह जी बैठते ना जैकेट पे। बात कराओ जयसिंह, बात करें क्या मेरा टिकट ले लो फिर लाए लाए हैं। वैसे देख रहे थे बात करा के, हाँ वैसे बात मेन गेट से एंट्री के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू दिखता है। बारिश के मौसम में ऐसे भी बहुत शानदार व्यू दिख रहा है। ये है संगमरमर का बना हुआ महल। दोस्तों इस किले को ऐसे डिजाइन किया गया था कि यहाँ पे हमला होना नामुमकिन ही था। यहाँ से इतना सोना निकला था कि इंदिरा गांधी के टाइम में इंडियन सारी फोर्स यहीं पर लगा दी गई थी। और इसमें कुछ ऐसे ऐसे रास्ते बनाए गए थे कि यहाँ से अभी अपने एंटर करेंगे और तो अपने एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे दरवाजे बंद कर रखे हैं। बोलते थे पहले यहाँ पे जब कोई टूरिस्ट घूमने आता था तो वो यहीं पे फंस जाता था, उसको यहाँ से बाहर निकलने का एग्जिट मिलता ही नहीं था। और काफ़ी सुना है कि उनकी बाद में बॉडी वहाँ पे मिलती थी, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके जो गेट हैं वो बंद कर दिए हैं अभी। और अभी यहाँ पे कितना सोना है ये तो जो यहाँ पे राजा महाराजा थे उन्हीं को पता है उन्होंने कहाँ पे छुपा रखा होगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ऐसे गेट है जिनको बंद कर रखा है, जो अंदर तक निकलते हैं, मतलब अंडरग्राउंड है। गेट के अंदर गेट, गेट के अंदर गेट, कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है। और सैनिकों के लिए भी उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि अगर इस पर हमला हो भी जाता है, वैसे तो हमला होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो आप दूर दूर तक पहाड़ देख रहे हैं वो पहाड़ों पे सब पे दीवारें हैं, और जो दीवारें हैं उन दीवारों पे सैनिक तैनात रहते थे। तो अगर उन सैनिक से भी लड़के अगर इस गढ़ पे हमला कर दिया जाता तो भी यहाँ पे अंदर कुछ ऐसे रास्ते बनाए गए थे जिनसे सैनिकों को कन्फ्यूज कर दिया जाता था और उनके ऊपर पीछे से हमला किया जाता था या फिर जैसे भी था। लेकिन बहुत ही अद्भुत किला है ये, मैं आपको और इसके जो अंदर जाने के बाद दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या अभी राज दफन है। ये देखिए संगमरमर का बना हुआ है पूरा, ये रानियों की और बगीचा था जहाँ पे रानी आके बैठती थी। यहाँ पे घूंघट प्रथा थी तो रानी यहाँ पे जो आप अंदर जाएंगे तो वहाँ से खिड़कियाँ वहीं से बाहर देखती थी सारा। तो पूरा संगमरमर का बना हुआ है। यह है शीश महल, ये सारा संगमरमर है। ये भी कुछ
दोस्तों यहाँ पे देखिए कैसे खुफिया रास्ता है यहाँ पे, जैसे ये गेट बंद है, इसकी काफ़ी गेट बंद है। अब ये यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है और यहाँ से देखिए, अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये गेट बंद है इसका, देखिए ताला लगा हुआ है। देखिए अभी हमको कहाँ जाना, चलते हैं। यहाँ पे ऐसे सैनिक को कंफ्यूज किया जाता था। देखो उनकी टॉयलेट कैसी होती है यहाँ पे। से चलते हैं ऊपर, ये इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, इंडिया का ही सबसे बड़ा फोर्ट है, पता नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा फोर्ट है। बड़ा फोर्ट तो नहीं है लेकिन सबसे कंफ्यूज करने वाला फोर्ट यही है, जहाँ पे पहले टूरिस्ट आते थे तो यहीं पे गायब हो जाते थे, क्योंकि टूरिस्ट पहले जब आता था तो वो कहीं पे भी किसी भी रास्ते में निकल जाता था, जैसे ये रास्ता है। अभी पता नहीं कहाँ जाता है, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम ऊपर से देखते हैं पहले। ये देखिए ये ऊपर जयगढ़ है, ये अमेर है, बहुत ही अद्भुत फोर्ट है ये। इसको दिखाने के लिए, पूरा दिखाने के लिए तो मुझे शायद कम से कम 5-10 दिन चाहिए। मैं भी इस फोर्ट में जितनी बार आया हूँ मुझे बार बार रास्ते भूल जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज करने वाला फोर्ट है। वहाँ से देखते हैं कैसा व्यू दिखता है। ये देखिए दीवारें दिख रही है फोर्ट की। I'm not afraid to die.
देखिए ये भी रास्ता जा रहा है, ये देखेंगे बाद में, जब यहाँ से व्यू देखते हैं। ये देखिए पूरी रोड दिख रही है, बहुत ही शानदार व्यू है। ये राजा मानसिंह जी का फोर्ट था। अभी यहाँ पे हमारे राजपूत समाज के लोग ही हमीर फोर्ट को संभालते हैं, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ये देखिए दासियों के बैठने के लिए व्यवस्था होती थी, यहाँ से वो बाहर का नज़ारा देख सकते थे। देखिए कैसे कैसे रास्ते हैं, ये बंद हैं। क्वालिटी नहीं आ रही मोबाइल की। देखिए कैसे कैसे रास्ते हैं, ये पूरे बंद हैं। यहाँ पे और भी बहुत रास्ते हैं ऐसे। ये रास्ता ही बहुत गंदा लग रहा है, बंदा बंद है, पता नहीं क्या है। दोस्तों मैं भी रास्ता कंफ्यूज हो गया था काफ़ी टाइम से, रास्ते को ढूंढ रहा था। अभी मुझे ये रास्ता मिला क्योंकि मैं मेरी वाइफ को यहाँ पे वेट करने के लिए छोड़ के गया था। वहाँ खड़ी है मेरी वाइफ। दोस्तों ये नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर फोर्ट एक साथ ही, तो इसका लोग तो बहुत बड़ा बनेगा अगर बनाऊँगा तो आज के लिए अब इसी नीति समाप्त करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में शायद मैं आपको कुछ खास जगह दिखाऊँ। CCD आमेर में ये हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। चलिए टनल है यहाँ पे कोई। बहुत ही अद्भुत फोर्ट है ये, चढ़ाई क्यों डाल दूँ बेटा। ये हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। हाँ।